कोई मारेगा क्या? लखीमपुर में एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज जो है वो लखीमपुर में हम लोग का लास्ट डे है, तो यहीं पर हम लोग रुके थे बुबू के घर में। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रहकर। और अभी यहाँ पर कुछ राइस का हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो अभी जो राइस है वो निकाल रहा है, तो हार्वेस्टिंग ऐसा कुछ है। तो बुबू भी वहाँ पर काम कर रहा है। अभी हो रहा है 11:58, तो पैकिंग वैकिंग भी करना है और फटाफट निकलना है, तो लेट तो हो चुका है। हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट मतलब छोटा सा लंच ही कर लिया आफ्टरनून का। सो तगड़ा वाला खाना खिला दिया बुबू ने। इट्स 11:56, तो ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी की तरफ। लेट तो हो चुका है, तो अभी सबको गुड बाय देने का टाइम हो गया है। जाओ जाओ जाओ। तो अभी सबको गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है। बुबू, राज और ये पंकज, सबको बाय बाय। और बुबू का जो फैमिली है उन लोग को भी गुड बाय। हाँ कितना दिल है बर्मा कर दो। बर्मा 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 अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखीमपुर टाउन। तो लखीमपुर टाउन में भी कोई कोई रोड में ब्लॉक करके रखा है, वन वे देकर रखा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और हम लोग निकल चुके हैं वन वे से और ये हाईवे हमें मिल चुका है, अभी यहाँ से सीधा जाते ही रहना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडितद्वार और हम लोग ने अराउंड 48 किलोमीटर कवर कर लिया है लखीमपुर से। और तो हम लोग ऑलमोस्ट अरुणाचल बॉर्डर के सामने हैं, जो अरुणाचल का एंट्री गेट होता है वो थोड़ा आगे है। राइट हैंड साइड है अरुणाचल और लेफ्ट हैंड साइड है असम। ये तो राइट साइड है अरुणाचल है। तो और यहाँ पे हम लोग अभी फ्यूल अप भी कर लेते हैं, क्योंकि अरुणाचल में पेट्रोल का दाम 10 rupees या 11 rupees कम है हमारे आसाम से। तो फ्यूल अप कर लेते हैं, पूरा टैंक फुल कर लेते हैं। तो फ्यूल अप जो है हम लोग ने टैंकी फुल कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 1:20। तो हमने कितना 45 समथिंग किलोमीटर्स कर लिया है और हमें अराउंड 300 किमान आसिल 325 किलोमीटर्स जाना है गुवाहाटी के लिए। चलो, और मेरे राइट हैंड साइड में है बंदरद्वार गेट, तो यहाँ से हम लोग अरुणाचल के लिए एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, गेट के साइड लो इतनी दिए मैं घूमा
गॉड, माय गॉड, अरे रोड पे नॉर्मल है। तो गाइस अभी रास्ता जो है वो एकदम पूरा मक्खन जैसा है फिर गोबू तक। तो जो रास्ता है वो एकदम पूरा मक्खन जैसा है फिर गोपुर तक। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल और 97 किलोमीटर कर लिया है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं विश्वनाथ चारियाली एंड हम लोग ने कर लिया है 158 किलोमीटर्स और अभी टाइम हो रहा है 3:35। तो राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जा रहा है, बस थोड़ा सा ऑफ रोड मिला गोकुल क्रॉस करने के बाद। थोड़ा सा रास्ता का काम चालू है तो उसी के वजह से थोड़ा सा हम लोग का जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ा सा गिर गया। अदर देन दैट राइड बहुत ही अच्छा जा रहा है, स्मूथ जा रहा है एंड स्पीड भी हम लोग ने अच्छा खासा मेंटेन किया है। It's 5:30 almost and we have done 196 kilometers और हमें जाना है 204 something kilometers जाना है गुवाहाटी तक। तो डार्क हो चुका है, अभी रोड का कंडीशन अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है, बस सिंगल लेन रोड है और थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है तो वही ओवरटेक कर करके जाना पड़ेगा। चलो ओके गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तेजपुर मिशन चारियाली। तो अभी तो हम लोग ने कर लिया है 230 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 6:13। सही पॉइंट पर राइट लेवल हो। सो हम लोग आज जो है अलग रूट लेने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं मंगलदोई होकर जो कि है 173 किलोमीटर। आज हम लोग नौगांव होकर नहीं जाएंगे, अभी मिशन चारियाली से हमें राइट लेना है। नौगांव एपिंडी बेसी दूर है, ए बाध्य एपिंडी जाओ। सो यहाँ पर ट्रैफिक है और जीप को डर लग रहा है कि कहीं हम लोग घूमो जाए। হেরালে হেরাম আর কি আছে, নিজৰ জাগা নিজৰ জাগা অসম হয় এখন কৰি না বেলেগ ষ্টেটত ঘূৰি আছে। আজি ইয়া ইয়া তেলটো বহুত খাইছে বাবুৱা। অঁ
दीपू अच्छा 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 बच्चा बच्चना तेजपुर पालो तेजपुर तेजपुर पालो तेजपुर तेजपुर ब्रह्म जा अच्छा हो यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ढिकिया जुली और अभी हम लोग ने कर लिया है 263 किलोमीटर और हमें जाना है 141 किलोमीटर जाना है गुवाहाटी के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7:55। हम लोग पहुँच चुके हैं ढिकिया जुली। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उदालगुरी और 292 किलोमीटर कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 8:37 तो ऑलमोस्ट 8:30। गौरव सर पहला लखीमपुर और मेरा वेलकम कुछ इस तरह हुआ गुवाहाटी में। सो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ गुवाहाटी। सो गाइस, कल हम लोग पहुंच चुके थे अराउंड 11:30 समथिंग को। एक्सपीरियंस कैसा था हेल राइडर? बढ़िया बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम दोनों का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी किया। और जो हम लोग फैमिली के वहाँ पे रुके थे तो उन लोग को भी थोड़ा सा टाइम दिया। सो उन लोग को सबको थैंक यू। बुबू जो मेरा लखीमपुर का दोस्त है और उन लोग का जो दोस्त है उन लोग को भी दिल से एकदम थैंक यू। और शिवसागर से संजय उसको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो यही था एक छोटा सा ट्रिप दीप और मेरा विद ड्यूक 200। तो बाइक का कंडीशन अभी ठीक ठाक ही है, बस बाइक का जो डिपर बल्ब है वो भी फ्यूज चला गया। तो डिपर फ्यूज हो गया, अपर काम कर रहे हैं अपर, तो उसको अभी डिपर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और पीछे का ब्रेक पे थोड़ा सा ख़त्म हो गया शायद, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी और बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। सो बस यही था। तो या गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो पसंद आया हो और वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड एज ऑलवेज राइट सेफ। दिस इज दिमी मोटो ब्लॉग साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट ट्रिप में, तो पता नहीं अभी क्या ट्रिप करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।